मेरी तरफ देखकर बात कर। तूने मेरी खातिर हाथ फैलाया? हाँ, फैलाया मैंने हाथ, पर मैं तुम्हारे लिए चोरी भी कर सकती हूँ, लेकिन तुम्हें इस हाल में नहीं देख सकती। अम्मी जान, कहाँ तक पहुंची थी अमीना? अरे बेटा, कौड़ी कौड़ी की मोहताज हो गई है। 2 महीने का किराया चढ़ गया, अब 50,000 रुपया चाहिए ऑपरेशन के लिए। हाँ, अब सौदा सारा ख्याली की दुकान से आ रहा है, पैसा एक नहीं दिया। हाँ, इसका मतलब कि अब तहमीना टूटने वाली है, बस अब अपनी मोहब्बत निछावर रखें, फिर देखें तमाशा। मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। आपने जितनी इज्जत करते हैं, अगर मेरे पास इतने पैसे होते तो आपको सब कुछ दे देती। भाभी, मैं मानता हूँ आप बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन अगर आप बुरा ना मनाए तो मेरे पास एक हल है। क्या? आप अकील मामू वाला घर बेच सकते हैं। अरे देखिए भाभी, होगा वही जो आप चाहेंगे। आपका फैसला कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, मैंने तो बस एक ऑफर मुझे नजर आई तो मैंने आपसे शेयर कर ली। मैं अक्सर भाई से शेयर करता था, तो ऐसे मौके बार बार मिलते नहीं है लाइफ में। जैकपॉट ही है, 1,00,000 रुपया पर मंथ की आमदनी डेफिनेट है, तो होगा वही जो आप चाहेंगी। कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। भाभी, वो मैंने अपने दोस्त से 1 हफ्ते की मोहलत मांगी है, मोहलत बढ़ भी सकती है, आप सोच लीजिए। ऐसे मौके जिंदगी में बार बार नहीं मिलते। रुखसाना, प्लीज सर, आप मेरी बात सुनो, जरूरी काम है आपसे। टेक इट इजी बाय। मेरी पोती का बिल्कुल ठीक है पुप्पो। बेटा, इसका नाम भी रख लो, कहते हैं कि नाम रखने से बच्चे की तकदीर लिखी जाती है। पुप्पो, नाम तो आप ही रखेंगे इसका? मैंने रखना है? नाम तो अख्तरी रखेगी। अरे नहीं आपा जान, ये तो आपका हक है, ये लीजिए। अरे बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, नाम मैंने रखने? चलो जी, इसका नाम मैं रखती हूँ मरियम। मरियम? हाँ, क्यों, पसंद नहीं आया? नहीं नहीं पुप्पो, बहुत प्यारा नाम है। क्यों जी मरियम? ये लो, आज से इसका नाम है मरियम, मरियम अदनान। ठीक है, है भाई? वो जिशान आया था, क्या कह रहा था? वो जिशान भाई कह रहे थे कि अभी वाला मकान बेचकर एक चलता हुआ कारोबार खरीद लेते हैं। हाँ, कोई रात को बात तो कर रहा था,
कह रहा था कि महीने की 1 लाख रुपए आमदनी हो सकती है, 50,000 रुपए भाभी को दूंगा और 50,000 रुपए से घर चलेगा। भाई मैंने कहा मैं क्या कह सकती हूँ, जिसकी चीज है उन्हीं से पूछ जाके। मगर आपा जान आप क्या कहती हैं? अरे मैं क्या कहूँ अख्तरी, तुम लोगों की चीज है, बेचो ना बेचो, मेरा पेट तो मरियम को देख के भर जाएगा। क्यों मरियम? और मरियम का पेट कैसे भरेगा, हाँ ये तो अल्लाह ही जानता है ना भाई। फूफो जान फिर भी अब कुछ तो मशवरा दें। ना बेटा ना, मुझे तो इस झंझट में ना ही डालो। मेरे सामने तुम और मरियम रहो, मेरे लिए यही काफी है बेटा। ऐसे अगर नुकसान हो गया तो इतने सारे पैसे कौन भरेगा, मेरे में तो हिम्मत नहीं है बेटा। लेकिन फूफो जान ये जिंदगी भी कोई जिंदगी है? मालिक मकान 10 बार आकर बकवास कर चुका है, ख्याली चाचा का उधार भी 22,000 से ऊपर चला गया। मैं क्या कह सकती हूँ बेटा, बस मेरे लिए तो ये काफी है कि तुम दोनों मेरे सामने रहो। आगे आगे तुम्हारी मर्जी है, देख लो जो तुम करना चाहती हो। मैं तो कुछ नहीं कह सकती बेटा, ये ले सो गई। अच्छा मैं चलती हूँ। पापा? हाँ क्या बात है? आपा एक गिलास दूध चाहिए था तहमीना के लिए, डॉक्टर ने कहा था बच्चे की सेहत के लिए अच्छा है। क्या क्या चाहिए था? एक गिलास दूध चाहिए था। अच्छा दूध, अच्छा वो दूध तो मैंने पानी में बहा दिया। क्यों? वो बिल्ली ने मुंह मार लिया था तो पानी में बहा दिया मैंने। क्या होगा? तू फिकर ना कर, जिशान आता है तो किसी से उधार मंगवा देती। अच्छा कमबख्त मारी, खुशबू आ गई थी इसको दूध की। हाय सुकून आ गया, नजर ना लग जाए मुझे। अरफा बेगम सुकून से सोती हूँ अब मैं जाके। मरियम बस मरियम, शाबाश चुप चुप मरियम, क्या हो गया? नहीं रोते इतना, बस चुप चुप। अम्मा देखे ना मरियम कितना रो रही है, चुप ही नहीं हो रही। अरे बच्ची को खाने को मिलेगा तो चुप करेगी ना, तुझे जब पेट भर खाना नहीं मिलता तो इसका पेट कहाँ से भरेगा। अच्छा माँ आप ऐसा करें किचन से एक ग्लास दूध ही ला दें। किचन में दूध नहीं है। अम्मा सुबह 1 किलो दूध लिया था, उसमें से सिर्फ फूफे जान के लिए चाय बनी है, बाकी दूध कहाँ गया? बिल्ली ने मुंह मार दिया, आपा ने बहा दिया दूध। देखती हूँ।
आ रही हूं। अरे यास्मीन आप कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आए अंदर, आप रुको। हाँ ले आओ। अरे यास्मीन इसकी क्या जरूरत थी? ये लो। आप आए अंदर, दरवाजा बंद कर दो। और सब ठीक ठाक है? तुम बताओ। हाँ सब ठीक ठाक है। कैसी है बेटी? बिल्कुल ठीक है। कैसी हैं आंटी आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपको नवासी की बहुत बहुत मुबारक हो। तुम्हें भी बेटा बहुत बहुत मुबारक हो। शुक्रिया आंटी, खैर मुबारक। अकबर का उसे साथ नहीं लाई? वही तहमीना, वो बहुत तंग करता है, उसे दादी के पास ही छोड़ के आई हूँ। अच्छा ये बताओ क्या खाओगी? वैसे तो खाने का वक्त हो गया, खाना खाए बगैर नहीं जाने दूंगी। भाई आंटी के हाथ का कोरमा मिल जाए तो क्या ही बात है भाई, मजा आ जाएगा। क्यों नहीं अम्मा, आप बनाए ना अपने हाथों से यास्मीन के लिए कोरमा। हाँ वो बेटा गोश्त आज ही खत्म हुआ है। आंटी कोई बात नहीं, मुझे तो दाल भी बहुत पसंद है, अब आप दाल बना लें ठीक है? अरे नहीं नहीं बेटा ऐसी बात नहीं है, अभी जिशान आ जाता है, मैं चीजें मंगवा लेती हूँ। यास्मीन तुम फिक्र नहीं करो, कोरमा खाए बगैर तो मैं नहीं भेजूंगी। अच्छा इसे मुझे दे। ये माशाल्लाह, क्या नाम रखा है तुमने इसका? तहमीना। मरियम, दादी ने रखा है। माशाल्लाह बहुत प्यारी बच्ची है, किस पे गई है जरा देखो तो। माँ किसी से कम है क्या? ओहो। ये मरियम के लिए खाला की तरफ से, ठीक है? अरे यास्मीन अभी क्या कर रही है? ये मरियम और उसकी खाला का मामला है, तुम बीच में मत बोलो तहमीना। ओहो ये रो रही है लगता है। क्यों रो रही है, अभी तो दूध पिलाया था इसे। मुझे दे। मैं इसे सहन में ले जाती, चुप हो जाएगी। और यास्मीन नाजिया कैसी है? वो बिल्कुल ठीक है, और तुम्हें बहुत याद करती है। मुझे उसे बहुत याद करती है। कब आ रही है? बहुत जल्द आने वाली है और फिर हमसे मिलने वाली है। मुझे लगता है कि बस पटाखा बन के आएगी, अंग्रेजी फट फट बोलेगी। है ना? जिशान बेटा बाजार से 1 किलो छोटा गोश्त और 1 किलो टमाटर और पाव दही ला दो, जल्दी से आना बेटा। जी अच्छा। जी बेटा। जी जी। किलो गोश्त, पाव टमाटर, पाव दही, बाकी पैसे दे। फिर क्या सोचा तुमने? किस बारे में आपा? भाई शादी भी करनी है, सारी जिंदगी कवारे रहना है। आपा आपको मेरी शादी की इतनी जल्दी क्या है? सारा दिन घर का काम कर करके मेरे हार्ट टूट जाते हैं। मैं कहती हूँ मेरे साथ कोई काम बटाने वाली आ जाए। और मेरे दर्द का क्या, उसे कौन बांटेगा? परवा। बस बहुत होगी, मैं और इंतजार नहीं कर सकता। जिशान मियां सामान उठाओ और निकलो मेरे घर से। देखिए भाई आप प्लीज मेरी बात तो सुनो। मुझे कुछ नहीं सुनना बस। देखो मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, हमें इस घर से ना निकालो। इस घर में मेरे अदनान की यादें हैं, उसकी खुशबू है। तो ठीक है,
मेरा 2 महीने का किराया निकालो। अब मेरे पास ये है पैसे 7,000, आप ये रख ले, मैं बाकी जल्द। मुझे 2 महीने का पूरा किराया चाहिए। आप अभी ये पैसे रख ले, आपको बाकी पैसे जल्दी मिल जाएंगे। देखो बेटे, मैं अभी तक सिर्फ तुम्हारी ही वजह से रुका हुआ था, वरना मकान खाली कराना मेरे बाएं हाथ का खेल है। किराया तो मैं 1 मिनट में निकलवा सकता हूँ। ज़िशान मियां जी, किसी भूल में मत रहना, बेशर्मी की भी कोई हद होती है। आप प्लीज बस कर दे, ये तमाशा किसी और वक्त लगा लेना, मेरे मेहमान आए। रहमीना बेटी, मैं चलता हूँ, फिर किसी वक्त हाथ लगा। तमाशा तो तुमने लगा रखा है, पहले हाथ पांव जोड़कर मुझसे मोहलत मांगती रही, अब अपने अजीजों को देकर आंखें दिखा रही हो। अब देखो मैं तुम्हारा सामान उठाकर कैसे बाहर फिकवाता हूँ। अम्मा, मेरे पास जितने पैसे थे मैंने वो उनको दिए, पर अब वो नहीं माना तो मैं क्या कर सकता हूँ। भाई सुनिए, जी फरमाइए। शेख एहसान कहते हैं मुझे, तहमीना बेटी है मेरी। देखिए, अगर आप मोहलत की बात करेंगे ना तो वो 1 दिन भी नहीं मिलेगी। कितना किराया है तुम्हारा? 26,000 रुपए, 2 महीने का किराया है। ये लो, पूरे 26,000 हैं, गिन लो। जी शुक्रिया। और एक बात याद रखना, अभी जो तुमने अंदर बदतमीजी की है ना, वो तो मैंने माफ कर दी। अगर दोबारा तहमीना के घर आकर ऐसी बदतमीजी की तो टांगे तोड़ दूंगा तेरी, समझा? समझ गया जी। रब रखा। रब रखा।